वहीं खबर कटिहार से, जहां जीविका परियोजना कोढ़ा इकाई में सोमवार को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने द्वितीय आम सभा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कोढ़ा जीविका के तहत चल रहे कार्यक्रम का विभिन्न पहलुओं की जांच कर जायजा लिया गया। जायजा उपरांत जिला पदाधिकारी ने कोढ़ा जीविका से सभी कार्य से संतुष्ट होकर कार्यों की सराहना की। इस दौरान जिला पदाधिकारी के साथ जीविका के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि जीविका DPM कटिहार इंदु शेखर इंदु, कोढ़ा विधायक कविता पासवान, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्याम कुमार, BPM उत्तमानंद भारती मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद जीविका दीदियों के समूह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका के साथ जुड़ महिलाएं सशक्त व समृद्ध बनने के साथ आज उनको उचित सम्मान मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व में बच्चियां स्कूल कम जाया करती थी, लेकिन आज के परिवेश में निरीक्षण के दौरान देखा जा रहा है कि बालकों से अधिक की संख्या में बालिकाएं स्कूल में मौजूद रहती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति है। कुशल प्रसव हेतु मौजूद जीविका समूह की महिलाओं को जानकारी दी कि बिना पूर्व जांच के सीधे अस्पताल के नहीं पहुंचे, कम से कम गर्भवती हो जाने की सूचना पर कुशल चिकित्सक की देखरेख में 3 जांच अवश्य करवा ले। इससे प्रसव के समय पीड़ा निजात के साथ सफल प्रसव में लाभदायक सिद्ध होती है। अभी देखा जा रहा है कि महिलाओं में आयरन की कमी बहुआयामी रूप से हो रही है, इसलिए चिकित्सकीय जांच जरूरी है। कोढ़ा विधायक कविता पासवान ने मौजूद जीविका समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोढ़ा के लिए सड़क के सदन तक अपनी आवाज को कोढ़ा विधानसभा की जनता के लिए लगातार उठाती रहती हूँ एवं उठाती रहूंगी। उन्होंने महिलाओं के नए आरक्षण मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं की ओर से साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्हें कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। इस अवसर पर मौजूद जीविका समूह की महिलाओं को उनके बेहतर कार्य के लिए जिलाधिकारी व विधायक ने सम्मान देकर पुरस्कृत किया। MK न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से सुमन मिश्रा की रिपोर्ट। वार्षिक आम सभा के आयोजन पर यहाँ उपस्थित माननीय विधायक कोढ़ा, राज्य से आए परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक कटिहार और यहाँ पर आए सभी जीविका दीदियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है जब नारेश को पूजे थे रमनते तत्व देवता, इसका मतलब है जहाँ नारियों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, वही देवता वास्तव है। और यह सम्मान बस बोलचाल के लिए सम्मान नहीं है, बातचीत में खाली सम्मान जनक शब्द प्रयोग किया। इस सम्मान का मतलब है उनको अधिकार देना, उनको उनकी शक्ति देना और सबसे जरूरी उन अधिकारों और उन शक्तियों के बारे में जागृत होना, मतलब तो उनको जानकारी देना कि आपके पास क्या क्या शक्ति है, आपके पास क्या क्या अधिकार है। अब ये अधिकार ये शक्तियां आपके लिए सरकार का और प्रशासन का शुरू से यही मकसद रहा है कि चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें महिलाओं के लिए, नारियों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उनको